Welcome to Jan Steno Classes. राजस्थान उच्च न्यायालय 80 शब्द प्रति मिनट हिंदी डिक्टेशन जीवनी डिक्टेशन अध्याय संख्या 29 रेडी स्टार्ट। साबिर भाटिया एक भारतीय उपक्रमी और ईमेल सेवा हॉटमेल की सह संस्थापक हैं। विराम साबिर द्वारा स्थापित यह ईमेल सेवा आज विश्व के लगभग 106 भाषाओं में है और फरवरी 2013 तक लगभग 42 करोड़ लोग इसका उपयोग कर रहे थे। हॉटमेल की स्थापना 1996 में साबिर भाटिया और अमेरिका के जैक स्मिथ ने $3,00,000 की पूंजी से की थी और सन 1997 में इसका अधिग्रहण दुनिया की तत्कालीन सबसे बड़ी आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने लगभग 2500 करोड़ रुपयों में किया। विराम इस अधिग्रहण के बाद साबिर भाटिया रातों रात सिलिकॉन वैली के सुपरस्टार बन गए और पूरे विश्व पर छा गए। विराम हॉटमेल के माइक्रोसॉफ्ट द्वारा अधिग्रहण के बाद साबिर ने सन 1999 में एक ई कॉमर्स कंपनी arju.com प्रारंभ किया। विराम बाद में उनकी कंपनी सबसे बोलो ने मुफ्त में मैसेज भेजने वाली कंपनी जैक्स्टर का अधिग्रहण किया। विराम हॉटमेल के बाद साबिर भाटिया के कई उपक्रम प्रारंभ किए पर उनमें से किसी को भी हॉटमेल जैसी सफलता नहीं मिली। साबिर भाटिया का जन्म 30 दिसंबर 1968 को पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। विराम उनके पिता बलदेव भाटिया भारतीय सेना में एक अधिकारी थे जो बाद में रक्षा मंत्रालय में शामिल हो गए और उनकी माता दमन भाटिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में वरिष्ठ अधिकारी थी। विराम साबिर की प्रारंभिक शिक्षा बेंगलोर के सेंट जोसेफ बॉयज हाई स्कूल में हुई और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए उन्होंने सन 1986 में पिलानी के बिड़ला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान में दाखिला लिया पर 2 वर्ष के बाद ही एक कार्यक्रम के तहत अमेरिका के प्रसिद्ध कैलिफोर्निया के टेक्नोलॉजी संस्थान में तबादला ले लिया। विराम कैलटेक से स्नातक होने के बाद सन 1889 में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग में एमएस करने के लिए सेंट फोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। विराम यहां उन्होंने अल्ट्रा लो पावर वी LSI डिजाइन पर काम किया। विराम सेंट फोर्ड विश्वविद्यालय में रहते हुए साबिर स्टीव जॉब्स और स्कॉट मैकलेनी जैसी उद्यमियों से प्रेरित हुए और स्नातकोत्तर के बाद PhD करने के बजाय एप्पल में शामिल होने का फैसला किया। विराम सन 1995 में साबिर ने जावा सॉफ्ट नामक की
एक इंटरनेट कंपनी प्रारंभ की। विराम, यह कंपनी लोगों की व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर स्टोर करती थी और इन सूचनाओं को इंटरनेट के माध्यम से किसी भी कंप्यूटर पर देखा जा सकता था। विराम पैरा। इसी दौरान साबिर जिस कंपनी में कार्य कर रही थी उसने कंपनी के इंटरनल नेटवर्क में फायर वॉल लगा दिया, जिसके कारण ऑफिस कार्य करते हुए लोग अपना पर्सनल मेल चेक नहीं कर सकते थे। विराम स्टॉप।